जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है, चाहे वह बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम हो या ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के योजना आयोग और योजना आयोग के अंतर्गत बनाई गई पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिलेवेंट। तो हम लोग इससे जुड़े हुए जितने भी कंटेंट होंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम लोग सरल और आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आप इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे आप आसानी से बना सकें। सबसे पहले भारत में पंचवर्षीय योजना को लाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया और प्लानिंग कमीशन का गठन करने के पूर्व आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया पर हम नज़र दोहराएंगे। आर्थिक नियोजन एक केंद्रीकृत सत्ता के द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए एक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में ही ठीक वैसा ही यह प्रक्रिया अपनाई गई। यह मॉडल सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है यानी पंचवर्षीय योजना या भारत में आर्थिक नियोजन या योजना आयोग की जो प्रक्रिया है यह सारे जो प्रक्रिया अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं यह सोवियत संघ की देन है। तो सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन के शिल्पकार एम विश्वेश्वरैया को मानते हैं। उन्होंने ही आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा था। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया और इस किताब में उन्होंने भारत के लिए 10 वर्षीय प्लान को रखा, 10 ईयर्स प्लान। यानी 10 ईयर्स प्लान को रखने का मूल उद्देश्य था कि आर्थिक गति को तीव्र करने के लिए उन्होंने 10 वर्ष का समय निर्धारित किया। इसी कड़ी में 1944 में एक और महत्वपूर्ण प्लान आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से आया, उस प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान। यह प्लान बॉम्बे प्लान को 8 उद्योगपतियों के द्वारा 15 वर्षीय प्लान सुझाया गया था और यह अर्देशिर दलाल के नेतृत्व में यह प्लान को लाया गया था। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्लान फिर आर्थिक नियोजन से जुड़ा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे, वह प्लान था 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना, यानी उसे हम पीपल्स प्लान कहते हैं। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि 1947 में आर्थिक नियोजन समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है और यही आर्थिक नियोजन समिति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। तो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन समिति का गठन 1947 में हुई और इसी आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और यही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भारत के लिए 5 ईयर्स प्लान लेकर आया यानी पंचवर्षीय योजना को लेकर आया। और इस पर हम खासकर इस टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। फिर इसी कड़ी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। चूँकि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम था 5 ईयर्स प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को बनाना, उसे क्रियान्वित करना, उसे अनुमोदन करने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय विकास परिषद को दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का मूल उद्देश्य था राज्यों की भागीदारी को समाहित करना और केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करना। तो इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को खत्म करके भारत सरकार ने मोदी सरकार के नेतृत्व में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग को इंग्लिश में भी NITI का विस्तृत रूप क्या होता है
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह एक संस्था है जो योजना आयोग का परवर्ती रूप है, यानी योजना आयोग के आधार पर इस संस्था की स्थापना की गई, और इसके भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके जितने भी मेंबर्स होते थे योजना आयोग का, इसके भी मेंबर्स, इसके भी सचिव होते हैं, यानी स्टेट्स के जितने भी CM हो गए इस नीति आयोग के सदस्य होंगे। और इसे या थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक का मतलब हो गया विचारक समूह या विचारक निकाय या विचारक संस्था, जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजी संबंधी बिंदुओं पर विचार विमर्श करे और सरकार को अपनी विचारों को सरकार के समक्ष रखे। इसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया और 5 ईयर्स प्लान को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो 1951 में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया और इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच रखी गई थी, लेकिन उसी बीच नीति आयोग का गठन हो गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना भारत सरकार के द्वारा, यानी नीति आयोग के पहले जो योजना आयोग है उसके द्वारा लाई गई थी, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1951 से और यह चला 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के शिल्पकार या योजना आयोग के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला, और इसके जो मॉडल कार थे हैरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हैरोड डॉमर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि उस समय देश में सबसे बड़ी जो समस्या थी वह खाद्य संकट की थी। उस समय खाद अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा था, बल्कि न्यूनतम आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए पहला प्रायोरिटी दिया गया कृषि को। और कृषि और सिंचाई से संबंधित कई परियोजनाओं ने इस पंचवर्षीय योजना में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जन्म लिया, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण, दामोदर घाटी नदी परियोजना का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी, यानी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का जो मेन प्रायोरिटी था वह कृषि था। अब सेकेंड 5 ईयर्स प्लान को देखते हैं, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित, और इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण को लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योग की स्थापना की गई, तीव्र औद्योगिकरण को लक्ष्य रखा गया, और इसी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की गई, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, रावलकिला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, भिलाई 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, और रावलकिला 1961 में जो स्टील प्लांट बनाई गई थी वह जर्मनी के सहयोग से। तो आप याद रखिएगा, रावलकिला, दुर्गापुर और भिलाई जो स्टील प्लांट का स्थापना की गई वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडलकार थे PC महालनोबिस थे। इसी कड़ी में हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को का मूल उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, और स्टेप बाय स्टेप स्वतः यह अर्थव्यवस्था विकसित हो जाए नहीं। और उस समय कृषि तथा कृषि उद्योग को प्राथमिकता दी गई, लेकिन यह जो योजना है यह पंचवर्षीय योजना असफल रही, क्योंकि इसे एक तरफ 1962 में भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत सरकार ने इस योजना से अलग डिफेंस सेक्टर में खर्च करना शुरू कर दी। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई और 1966 में सूखा पड़ गया, तो भारत सरकार की जो ध्यान थी या प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत 5 ईयर्स प्लान की ओर कम,
और डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा, चूँकि उस समय में दो दो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इसीलिए यह जो योजना है असफल रहा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा, और इस योजना का मॉडलकार जो थे वह थे जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। लेकिन इस योजना के अंत में जैसे 5 ईयर्स प्लान लाया गया था आपको, यानी 1961 से 66, तो इस योजना का अंत 1966 में हो रही थी, तो उसी समय में एक महत्वपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति लाई गई थी, और हरित क्रांति के द्वारा भारत में एक खाद्य क्षेत्र में जो खाद्य संकट की समस्या थी वह खत्म हो गई। अब भारत सरकार के पास खदान की संकट और समस्या खत्म हो गई थी, यानी भारत अब सरप्लस प्रोडक्शन का इजाफा करने लगा। यानी सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है अधिशेष उत्पादन, यानी अब भारतीय आबादी के साथ साथ भारत अब फसलों का निर्यात भी कर सकता था। इसके लिए हरित क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति कर्म में HYVS यानी हाई वैलिंग वैरायटी प्रोग्राम को चलाया गया, यानी ऊंच किस्म के हाई एल्डिंग वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के ऊंच किस्म के फसलों का समावेश किया गया, एक प्रोग्राम चलाया गया, और इससे हरित क्रांति ने भारत में नई क्रांति को जन्म दिया। तो 1966 के बाद चूँकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, तो एक और महत्वपूर्ण शब्द को जानेंगे, योजना अवकाश यानी होलीडे प्लान। यानी होलीडे प्लान का मतलब पंचवर्षीय योजना की जो प्लान थी उसको रोक दिया गया 1966 से 69-69 तक, यानी 3 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया। योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, योजना अवकाश 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान, 1990 से 92 तक योजनाएं बंद रही। अगर तीन सन को आप याद कर लेते हैं डेट वाइज, तो 1951 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली प्रत्येक 5 वर्ष में, तो उसे याद करना आसान हो जाएगा। चूँकि 1951 से 56 तक प्रथम आप देखे हैं, 56 से 61 तक सेकंड को देखे हैं, और 61 से 66 तक थर्ड को देखे हैं, 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा, यानी होलीडे प्लान रखा गया, यानी योजना अवकाश। फिर 78 से 80 तक अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, और 90 से 92 तक ख़त्म रहा, फिर 92 से नई योजना शुरू हो रही है। तो तीन डेट को आप याद रखेंगे, 1966 से 69, 1968 से 80 और 1990 से 92 तक, तो आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो डेट है, मतलब एक क्रोनोलॉजी एक सीक्वेंस में आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसे याद रखिएगा। अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी लेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली, यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि इस योजना के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और उसी समय 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ, और युद्ध से बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में प्रवेश होने लगे, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई खदान संकट को लेकर के, शरणार्थी समस्या को लेकर के, और मौसम भी भारत के प्रतिकूल होने लगा, जिसके वजह से यह योजना असफल रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी पूछेगा, तो गॉडगिल मॉडल पर। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही बांग्लादेश और भारत के बीच युद्ध हुई। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हम देखेंगे 1974 से 78 तक,
तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कितने समय तक रही, केवल 4 वर्षों के लिए। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान मात्र 4 वर्ष के लिए निर्धारित थी, तो वह पाँचवीं हो जाएगी। और पाँचवीं का एक थीम चला था गरीबी हटाओ नारा। फिर हम लोग देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना चलाना था 1980 से 85 तक, लेकिन 78 से 83 तक रोलिंग प्लान एक विज़न लेकर आया गुन्नार मिड्डल द्वारा, और इस प्लान के अंतर्गत विकासशील देशों में इसका इम्प्लीमेंट होता है विकास की गति को तीव्र करने के लिए। तो 78 से 80 तक ही सफल रहा, क्योंकि 80 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बन गई और उसने रोलिंग प्लान को ख़त्म कर दिया, और नए सिरे से 80 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ही रोलिंग प्लान लाया गया था। तो याद रखिएगा 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चली, लेकिन 83 तक रखा गया था उसका लक्ष्य, क्योंकि 80 में इंदिरा गांधी की सरकार बन जाने से 80 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया। फिर हम लोग देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1985 से 90 तक। और इसमें जवाहर रोजगार योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को लाया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। मौलिक मौलिक बातों को समझेंगे। फिर हम आठवीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, यह जो था प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का थीम था मानव संसाधन एवं विकास, यानी शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया, और इसमें एक नई योजना चली पीएम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना सातवीं में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं में। और आर्थिक समृद्धि अपने लक्ष्य से अधिक इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक सफल रहा आठवीं पंचवर्षीय योजना। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चलाई गई थी, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास इसका महत्वपूर्ण थीम था। दसवीं पंचवर्षीय योजना कोई खास नहीं थी, 2002 से 7 तक चली। और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, और इसका जो थीम था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें लाया गया। और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलानी थी, और इसमें तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आर्थिक गति को तीव्र करना। लेकिन 2015 में योजना आयोग के जगह पर एक नई निकाय का जन्म हुआ, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, जिस कारण बीच में ही यह योजना ड्रॉप कर दी गई। तो दोस्तों, ये जितने भी कंटेंट थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।